पन्ना जो है मंदिरों की नगरी है और यहाँ पे परंपरागत 2-2.5 साल से परंपराएं जो चलती आ रही है, उसमें जो मंत्री जी थे ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी ने, ये रथ यात्रा के टाइम से चालू हुआ कि उनको वीआईपी कल्चर की आदत है और वो वीआईपी गेस्ट लाते हैं और हम लोगों ने लगभग उस टाइम भी 1.5-2 घंटे इंतजार किया रथ यात्रा के लिए, वहां भी हम लोग बर्दाश्त कर गए। उसके बाद में बलदाव मंदिर में जो कभी भी नहीं होता, परंपरा के विरुद्ध 2 चंवर निकाले गए और वीआईपी कल, क्योंकि मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को वीआईपी कल्चर की आदत है, उनने स्पेशली मंदिर से एक चौहान अपने लिए निकलाई जो उनको निकाल के दी, जो वीडियो में भी है। उस वक्त हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि राज परिवार के सदस्य, हम चले आए। बाद में पुजारियों को बुला के उसकी चर्चा हुई, उन लोगों ने माफी मांगी कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, एक चौहरी निकलती। उसके बाद में जो जुगल किशोर मंदिर में महाराज साहब को बाहर रोक दिया गया, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। जब हमको बताया गया कि परंपरा टूटेगी, क्योंकि चौर की जो प्रथा होती है उसमें जो राजा होता है वो भगवान से क्षमा याचना करता है सबकी गलतियों के लिए, और भार जो होता है राजा पे रहता है। तो हम वहां गए क्योंकि हमारे बेटे नाबालिग है, कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसके बेटे पे किसी भी तरह की अशुभ चीजें उतरे, अगर हम इसको मानते हैं तो। हम मंदिर गए, मंदिर में जाने के बाद में जब हमने उनसे चंवर मांगा तो उन्होंने हमको गाली बकी, बहुत ही खराब गाली बकी और विधवा वगैरह बोला। हमने फिर भी चंवर किया, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं, क्योंकि चंवर उल्टी और सीधी चलानी पड़ती है पाप उतारने के लिए। तो हमसे जो बना हमने श्रद्धा से किया। उसके बाद में हमने उनको चंवर देने के लिए आवाज दी और वीडियो में 2 धक्के हैं, परंतु 1 धक्का और साइड से लगा और ये कुछ लोग जो पीछे थे वो चंवर को लेकर चिल्लाने लग गए, ऐसे कैसे चला रही है वैसे। और ये जो मंदिर के अंदर थी, ये एंटी नेशनल एलिमेंट थे जो उपद्रवी होते हैं। पहली बात तो ये वहां आए कैसे, ये अंदर थे कैसे, ये भी नहीं पता। उसके बाद में जब पुजारी जी को हमने कहा कि हमको आरती दे दो, हमको जाना है, गाली गलौज करने लगे, इतनी अभद्र गालियां दी कि हम बता नहीं सकते। तो हमने उनसे कहा हमको आरती दे दीजिए, हमको जाना। तो हम आरती लेके जाने लगे, उन्होंने कहा आरती नहीं मिलेगी, आप विधवा हैं, आप 2-4 गालियां दी। हमने कहा नहीं, हम आरती लेके जाएंगे और हम भगवान से क्षमा याचना करके हम अपना जा रहे थे, उसमें धक्का मुक्की सब हो गई। इतने में जो ये लोग थे ये जबरदस्ती चिल्लाने लगे कि वो आग में जलने वाली थी, आग में कूदने वाली थी, और ऐसा करके इन लोगों ने पुलिस को भी घबरा दिया, प्रशासन को घबरा दिया, हमको भी घबरा दिया, सबको घबरा दिया। वहां अफरा तफरी मच गई, एक तो गाली गलौज भद्दी भद्दी, ऊपर से के जल रही हैं और ये दारू पी के आई हैं और ये चप्पल लेके हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके पश्चात हम वहां से अपने पैलेस चले आए और सो गए शांति से, शांतिपूर्वक। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि कौन लोग हैं? इसके पीछे एक्चुअली मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है और ये काफी टाइम से हमको प्रताड़ित कर रहे हैं और इनका ये रिकॉर्ड रहा है। अगर आप पूरे जिला में लोगों से पूछे, सभी को प्रताड़ित है। और ऐसा काम कम से कम ईश्वर से तो इंसान डरे, कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान के गृह में गर्भगृह में चले जाए। फिर हमें जब 12 बजे आसपास हम जब एसपी के यहाँ पे कंप्लेन डालने जा रहे थे, तो महाराज साहब को क्योंकि जयपुर जाना था तो हम ट्रेन पे छोड़ने खजुराहो गए, वहां से आए अपना आवेदन बना के एसपी साहब के यहाँ जा रहे थे, तो पुलिस हमें थाने ले गई और हमारी एमएलसी थाने में ही कराई। और हमने डॉक्टर को ये भी बताया कि डॉक्टर साहब आप हमारा अगर ब्लड ग्रुप ले रहे हैं तो एक बार पहले भी हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि हमारा ब्लड चेंज कर दिया गया, तो आप प्लीज ब्लड ग्रुप भी लिखना। अब वहां क्या होता हमको पता नहीं क्योंकि एमएलसी कभी थाने में नहीं होती। फिर वहां से हमने उनसे कहा कि धाराएं ऐसी हैं जो जमानती है, तो आप हमको यहीं से जमानत दे दो। बोला नहीं, आपको वहां ले जाना पड़ेगा, बहुत प्रेशर लगेगा। तो हम बोले गए कोर्ट से, उन्होंने हमको जेल भेज दिया और वहां से फिर हमको जमानत मिल गई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।